इस कथा को जो पढ़ेगा उसे 84 लाख योनियों से मुक्ति मिल जाएगी। एक बार की बात है कि यशोदा मैया प्रभु श्री कृष्ण के उलाहनों से तंग आ गईं और छड़ी लेकर श्री कृष्ण की ओर दौड़ी। जब प्रभु ने अपनी मैया को क्रोध में देखा तो वह अपना बचाव करने के लिए भागने लगे। भागते भागते श्री कृष्ण एक कुम्हार के पास पहुँचे। कुम्हार तो अपने मिट्टी के घड़े बनाने में व्यस्त था, लेकिन जैसे ही कुम्हार ने श्री कृष्ण को देखा तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। कुम्हार जानता था कि श्री कृष्ण साक्षात परमेश्वर है। तब प्रभु ने कुम्हार से कहा कि कुम्हार जी, आज मेरी मैया मुझ पर बहुत क्रोधित है। मैया छड़ी लेकर मेरे पीछे आ रही है, भैया मुझे कहीं छुपा लो। तब कुम्हार ने श्री कृष्ण को एक बड़े से मटके के नीचे छिपा दिया। कुछ ही क्षणों में मैया यशोदा भी वहां आ गई और कुम्हार से पूछने लगी, क्यों रे कुम्हार, तूने मेरे कन्हैया को कहीं देखा है क्या? कुम्हार ने कह दिया, नहीं मैया, मैंने कन्हैया को नहीं देखा। श्री कृष्ण ये सब बातें बड़े से घड़े के नीचे छुपकर सुन रहे थे। मैया तो वहां से चली गई। अब प्रभु श्री कृष्ण कुम्हार से कहते हैं, कुम्हार जी, यदि मैया चली गई हो तो मुझे इस घड़े से बाहर निकालो। कुम्हार बोला, ऐसे नहीं प्रभु जी, पहले मुझे 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान मुस्कुराए और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें 84 लाख योनियों से मुक्त करने का वचन देता हूँ, अब तो मुझे बाहर निकाल दो। कुम्हार कहने लगा, मुझे अकेले नहीं प्रभु जी, मेरे परिवार के सभी लोगों को भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करने का वचन दोगे तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकालूंगा। प्रभु जी कहते हैं, चलो ठीक है, उनको भी 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त होने का मैं वचन देता हूँ, अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। अब कुम्हार कहता है, बस प्रभु जी, एक विनती और है, उसे भी पूरा करने का वचन दे दो तो मैं आपको घड़े से बाहर निकाल दूंगा। भगवान बोले, वो भी बता दे, क्या कहना चाहते हो? कुम्हार कहने लगा, प्रभु जी, जिस घड़े के नीचे आप छुपे हो उसकी मिट्टी मेरे बैलों के ऊपर लाद के लाई गई है, मेरे इन बैलों को भी 84 लाख के बंधन से मुक्त करने का वचन दो। भगवान ने कुम्हार के प्रेम पर प्रसन्न होकर उन बैलों को भी 84 लाख के बंधन से मुक्त होने का वचन दिया। प्रभु बोले, अब तो तुम्हारी सब इच्छा पूरी हो गई, अब तो मुझे घड़े से बाहर निकाल दो। तब कुम्हार कहता है, अभी नहीं भगवान, बस एक अंतिम इच्छा और है, उसे भी पूरा कर दीजिए, और वो ये है, जो भी प्राणी हम दोनों के बीच के इस संवाद को सुनेगा उसे भी आप 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्त करोगे, बस यह वचन दे दो तो मैं आपको इस घड़े से बाहर निकाल दूंगा। कुम्हार की प्रेम भरी बातों को की इस इच्छा को भी पूरा करने का वचन दिया। फिर कुम्हार ने बाल श्री कृष्ण को घड़े से बाहर निकाल दिया, उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम किया, प्रभु जी के चरण धोए और चरणामृत किया, अपनी पूरी झोपड़ी में चरणामृत का छिड़काव किया और प्रभु जी के गले लगाकर इतना रोए कि प्रभु में ही विलीन हो गए। जरा सोच करके देखिए, जो बाल श्री कृष्ण 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को अपनी इतनी अंगुली पर उठा सकते हैं, तो क्या वो एक घड़ा नहीं उठा सकते थे? लेकिन बिना प्रेम रीजे नहीं नटवर नंद किशोर, कोई कितने भी यज्ञ करे, अनुष्ठान करे, कितना भी दान करे, चाहे कितनी भी भक्ति करे, लेकिन जब तक मन में प्राणी मात्र के लिए प्रेम नहीं होगा, प्रभु श्री कृष्ण मिल नहीं सकते। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे राधे। एक सुंदर कथा भेजी है, विश्वास और मनन कीजिए। अच्छी लगे तो दूसरों को भी भेजिए। प्रार्थना नष्ट नहीं होती, उपयुक्त समय पर क्रियान्वित होती है। ईश्वर सदैव आपको सपरिवार स्वस्थ व सुखी रखे। जय जय श्री कृष्ण।